हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिप पेन। अब इस हिप पेन को ग्रोइन पेन के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट ग्रोइन पेन सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड होता है। अब गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि हिप पेन होता क्या है, वो होने के क्या क्या कॉजेस होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ किन लोगों में हिप पेन या ग्रोइंग पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपको अभी हिप पेन हो रहा है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसके साथ अगर आपको अभी ग्रोइंग पेन या हिप पेन नहीं हो रहा है और फ्यूचर में आपको इससे बचना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा डिटेल डिस्कशन आज के स्टूडियो में हम करेंगे। तो गाइस, वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी हिप पेन से बचा सकता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हिप पेन होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और किन चीज़ों की वजह से हमें हिप पेन को फेस करना पड़ता है। तो गाइस, हिप पेन होने के जितने भी कॉजेस हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी पेशेंट हमारे पास हिप पेन के लिए आते हैं, ग्रोइंग पेन के लिए आते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है मस्कुलर पेन। ऑलमोस्ट 90% लोगों में यही मस्कुलर पेन होता है जो हमें ग्रोइंग पेन या फिर हमें हिप पेन देता है। आगे का पूरा वीडियो हमारा इसी टॉपिक के रिलेटेड रहेगा, ठीक। तो गाइस, ये मस्कुलर पेन होता क्या है, जो भी हमारे हिप जॉइंट के मेजर मूवमेंट हम कंसिडर करते हैं, हिप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, तो हर मोमेंट के लिए कोई ना कोई मसल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस मसल ग्रुप में इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब कुछ मसल ग्रुप बहुत ज़्यादा टाइट बन जाता है, कुछ मसल ग्रुप बहुत ज़्यादा वीक बन जाता है, और इस वीकनेस और टाइटनेस के साथ, इस इम्बैलेंस के साथ अगर हम कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम हमें मस्कुलर इंजरी होने की या फिर उस मसल के लिए जो भी टेंडन है उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो भी मसल ग्रुप हमारे हिप जॉइंट के ऊपर काम करते हैं, उनका मेन फंक्शन ये होता है कि किसी भी मोमेंट में हमारे हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी देना, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना। अब अगर ये मसल ग्रुप इम्बैलेंस हो जाता है तो ये हमारे हिप जॉइंट को किसी भी मोमेंट में स्टेबिलिटी नहीं दे पाते या फिर हमारे हिप जॉइंट को स्ट्रेंथनिंग नहीं दे पाते। तो इसीलिए काफ़ी बार मैंने देखा है, जब भी लोग जिम में कुछ एक्सरसाइज करने जाते हैं या फिर रनिंग करने जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, तो उन लोगों में मसल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी बार मस्कुलर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस मस्कुलर इंजरी के साथ उन लोगों को फिर ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब गाइस, इसके बाद जो सेकंड रीज़न आता है वो आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कंडीशन होती है, डीजनरेटिव कंडीशन होती है, जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं, अगर उनमें हिप पेन या फिर ग्रोइंग पेन हो रहा है तो मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट एक रीज़न हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसके रिलेटेड जो भी कार्टिलेज होती है उसमें डैमेज आ जाता है, वेयर एंड टेयर प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से भी लोगों में हिप पेन या फिर ग्रोइंग पेन होने के चांसेस होते हैं। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है, वो पेन आपके ग्रोइंग एरिया के साथ साथ आपके लैटरल साइड और पीछे की तरफ, मतलब पूरे हिप जॉइंट में आपको देखने को मिलता है। तो हमारे हिप पेन होने का जो तीसरा रीज़न है वो है बर्साइटिस। तो गाइस, ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन और फेमस होता है जो हमें हिप पेन दे सकता है। अब ये बर्साइटिस होता क्या है, जो हमारे बर्सी होते हैं, हमारे किसी भी जॉइंट के अराउंड एक बर्सी का मतलब एक सैक्स होते हैं जिसमें फ्लूड होता है, और वो फ्लूड का और सैक का मेन काम ये होता है कि जो भी हमारे बोन होते हैं, बोन और हमारा जो मसल और उसके जो टेंडन होते हैं उसके बीच में ये अवेलेबल होते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारे मसल का या फिर हमारे टेंडन का अगर किसी बोन के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको अवॉइड करना, इसको कुशनिंग प्रोवाइड करना। तो काफ़ी बार क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मसल का ओवर यूज़ कर लेते हैं, मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उस केस में जो बर्सी होते हैं इनमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसकी वजह से भी हिप पेन हो सकता है। अब ये बर्साइटिस का जो पेन होता है वो 90% वो लैटरल साइड पे होता है। अगर आपके हिप के लैटरली पेन हो रहा है, बाहर की तरफ पेन हो रहा है, तो शायद ये ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस भी उसका एक रीज़न हो सकता है। तो गाइस, हिप पेन होने का जो हमारा फोर्थ और लास्ट रीज़न है वो है हिप फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, स्पेशली फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हिप फ्रैक्चर होता क्या है, जो हमारा हिप जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो उसमें जो हमारा फ्यूमरल हेड होता है, जो राउंडेड वाला जो पोर्शन होता है जो सॉकेट के अंदर बैठता है, काफ़ी बार उसके ऊपर फ्रैक्चर जाने के चांसेस होते हैं, या फिर काफ़ी बार उसके पीछे जो नेक एरिया होता है वहाँ भी फ्रैक्चर जाने के चांसेस होते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन्स है कि उसका एक अलग से हम जरूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये हिप फ्रैक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके रिलेटेड काफ़ी सारे अलग अलग एक्सरसाइज आते हैं, उसके अलग अलग प्रिकॉशंस आते हैं, तो इसके रिलेटेड हम अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये फोर्थ रीज़न हिप फ्रैक्चर भी होता है जिसकी वजह से हमें हिप पेन होता है। तो गाइस, ये थे ओवरऑल मेजर रीजंस जिसकी वजह से हमें हिप पेन या फिर ग्रोइंग पेन होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे मेन रीज़न होता है
मस्कुलर पेन ये किन लोगों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है या इसके पीछे क्या रीजंस होता है जिसकी वजह से हमें ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन को फेस करना पड़ता है। तो गाइज हिप पेन होने के या ग्रोइंग पेन होने के जितने भी हमने मेन कॉजेज देखे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था होता है मस्कुलर पेन। अब ये देखते हैं कि कौन से कैटेगरी के लोग होते हैं जिनमें मस्कुलर पेन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो सबसे पहली कैटेगरी आती होती है स्पोर्ट्स वालों की, जो लोग बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उन लोगों में मसल की ओवरयूज़ की वजह से, अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल में हमेशा किक करने के टाइम हम हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो ओवरयूज़ ऑफ मसल उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मसल में काफ़ी बार टियर जाने के चांसेस होते हैं, उसके रिलेटेड जो भी टेंडन होते हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्लेयर होते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो काफ़ी कंप्लेंट करते हैं कि उनको ग्रोइंग पेन हो रहा है या फिर उनको हिप पेन हो रहा है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है रनर्स वालों की, अब गाइस जितने भी ग्रोइंग पेन और हिप पेन के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें से 90% लोग रनर्स होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है आजकल रनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, लोग जब भी सुबह उठते और रनिंग करना शुरू कर देते। बट गाइस रनिंग के साथ साथ आपको आपके जो भी मसल्स होते हैं लेग्स के जो रनिंग के लिए हेल्प करते उसका प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्ट्रेचेस करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके एक्सरसाइजेस करने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके मसल में ऑलरेडी इंबैलेंस है और उसके साथ अगर आप लॉन्ग रन शुरू कर देते हो तो कुछ दिन बाद मसल ओवरएज की वजह से या फिर उसके बहुत ज़्यादा टाइटनेस की वजह से आपको ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन होने के चांसेस हो सकते। इसलिए जो भी रनर्स हमारे पास आते हैं तो उनमें तो 90% लोगों में कंप्लेंट होता ही है कि हमारा ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन हो रहा है। अब जैसे रनिंग की मैंने बात की वैसे भी साइकिलिंग वाले लोग होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, लॉन्ग रन लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं, उन लोगों में भी काफ़ी बार ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है हमारे जिम वाले लोगों की, जिम में लोगों को स्क्वाट्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली जब लोग सुमो स्क्वाट्स करते हैं तो सुमो स्क्वाट्स में उनके जो पैर का डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके एडक्टर मसल्स आपके इनर थाई मसल प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे और विथ वेट अगर आप सुमो स्क्वाट्स करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम भी मसल ओवर स्ट्रेच होने की वजह से आपके ग्रोइंग में पेन होने के चांसेस या फिर हिप पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी आती है गाइज वो मैंने यहाँ पे अदर लिखा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, ना रनर्स होते हैं, साइकिलिंग नहीं करते, जिम नहीं जाते, फिर भी लोगों को ग्रोइंग पेन होता है या फिर हिप पेन होता है। ये एक्सीडेंटली होता है, काफ़ी बार हम जब रास्ते से चल रहे हैं यार हमारा पैर एकदम से स्लिप हो गया बाहर की तरफ तो हमारे जो इनर थाई मसल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है, तो उस केस में भी काफ़ी लोगों को ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइस ये थे ओवरऑल कैटेगरी जिसमें लोगों को मस्कुलर पेन स्पेशली ग्रोइंग एरिया में होने की या हिप पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट कि हमें इसका जो भी ट्रीटमेंट रहता है उसको कैसे फॉलो करना पड़ेगा, कौन से एक्सरसाइज फॉलो करने पड़ेंगे और हमारा सीक्वेंस कैसे होना चाहिए। तो गाइस जो भी हमारा हिप पेन या ग्रोइंग पेन का ट्रीटमेंट है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आइसिंग वाला पॉइंट। तो जब भी आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे ग्रोइंग में पेन होना शुरू हो गया है या मुझे हिप पेन शुरू हो गया है, उस पॉइंट से लेके उस टाइम से लेके अगले 48 आवर्स तक आपको वहाँ पे बस आइसिंग करना है गाइस, बाकी कुछ नहीं करना। आपको बस आइसिंग करना है, आइसिंग के साथ वहाँ पे उसको रेस्ट पे लेके जाना है ताकि जो भी वहाँ का इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, वो कम हो जाएगा और आपका ऑलमोस्ट 50-60% पेन वहीं पे कम हो जाएगा। अब उसके बाद हमें फॉलो करने होते हैं एक्सरसाइजेस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज हमें हिप पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, दो एक्सरसाइजेस में बताऊंगा जो आपको फर्स्ट 7 डे मतलब 1 वीक के लिए फॉलो करने हैं। क्योंकि क्या होता है हमारा अगर मसल स्ट्रेच होने की वजह से ग्रोइंग पेन हो रहा है और उसमें अगर हम और उसको ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं वो पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए फर्स्ट 1 वीक हमें बस वहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करना है, वो भी हमारे अबडक्टर मसल्स का, अपोजिट मसल्स का। तो जो हमारा एडक्टर मसल इंजर्ड है उसको हमें रिलैक्स करना है। तो गाइज आइसिंग फॉर 48 आवर्स तक, उसके बाद अगले 7 दिन के लिए दो बेसिक एक्सरसाइजेस जो मैं अभी आपको बताऊंगा और फिर 7 दिन के बाद और मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा वो फॉलो करने। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस को एज इट इज़ फॉलो कीजिए। इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से एक्सरसाइजेस हमें फॉलो करने और उसकी हेल्प से कैसे हमें ग्रोइंग पेन से या फिर हिप पेन से बचना है। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है पेंडुलम एक्सरसाइज, ये हमें आइसिंग के बाद अगले 7 दिन के लिए फॉलो करना है। तो जैसे शोल्डर में हमने फ्रोजन शोल्डर के केस में हमने पेंडुलम एक्सरसाइज किया था हाथ का, वैसे हमें हिप का करना है। अब जो हिप पेन आपको ग्रोइंग पेन आपको हो रहा है उस पैर को बाहर की तरफ रखना है और जो अपना अनअफेक्टेड पैर है उसको किसी स्टेपर के ऊपर रखना है। अब मैंने यहाँ पे पिलो इसकी आप स्टेपर यूज़ कर सकते हो, आप स्टेपर के ऊपर रख के आपको ऊपर लिफ्ट करना है बॉडी को, ठीक है। अब जो आपका पैर में प्रॉब्लम है उसको बस आराम से पेंडुलम की तरह आगे और पीछे ऐसे रोटेट करना है। अब गाइज ये जो मोमेंट है फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, जितना आपके पैर से खुद से हो रहा है उतना उसको होने दीजिए। अगर जिस पॉइंट के आपको पेन हो रहा है उसी पॉइंट तक आपको जाना है और उसी के बीच में आपको ये पेंडुलम परफॉर्म करना है। आपको ऐसे 10 से 12 काउंट इसके करने हैं और ऐसे 3 से 4 रिपीटेशंस इसके करने हैं। तो गाइस जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है वो होने वाला है हमारे एबडक्टर मसल्स के लिए।
अब जैसे हम हमारे एबडक्टर मसल को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाएंगे तो उसके जो अपोजिट वाले मसल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ग्रोइंग पेन हो रहा है हमारे एडक्टर मसल्स, तो बॉडी उसको रिलीज कर देगी या उसको रिलैक्स कर देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैट के ऊपर लेट के वॉल के पास लेट जाना है, आपका जो पैर अफेक्टेड है उसको क्या करना है, बस वॉल के ऊपर रेस्ट कर देना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और रेस्ट करने के बाद आपको बस वॉल के ऊपर आपके पैर से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करना है। जैसे आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपके जो भी एबडक्टर्स लैटरल जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, जो अंदर वाले मसल्स है जिसकी वजह से हमें ग्रोइंग पेन हो रहा है उसको रिलैक्स कर देती है। अब आपको ऐसे होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकेंड के लिए एंड फिर धीरे से रिलीज करना है। अब ऐसे होल्डिंग के आपको 3 से 4 रिपीटेशंस करने का इस प्रेशर अप्लाई करना है, एबडक्टर मसल को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ले जाना है एंड रिलैक्स। तो गाइज ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज जो आपको करना है अगले 7 डेज के लिए। तो 1 वीक के लिए मैंने बोला था कि पहले 48 आवर्स के लिए हमें आइसिंग करना है, 48 आवर्स जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो जो पेंडुलम वाला मैंने बोला था वो पेंडुलम और इस सेकंड, ये दोनों एक्सरसाइज आपको 1 वीक के लिए फॉलो करनी। अब 1 वीक के बाद जैसे आपका पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके बाद हमें कौन से एक्सरसाइज करने हैं अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम करने वाले जो भी हमारे इनर थाई मसल्स होते हैं, जो हमारे एडक्टर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और उनकी वीकनेस की वजह से काफ़ी बार हमें ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन होने के चांसेस होते हैं। अब हम करेंगे उनका स्ट्रेंथनिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 पिलो लेके या अगर आप मैट है तो मैट भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए बॉल भी आते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको लेके ऐसे दोनों नी के बीच में ऐसे रख देना है, ठीक है। अब गाइस जो भी हमने नी पेन का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने एक्सरसाइज रिकमेंड किया था फॉर नी पेन स्ट्रेंथनिंग, तो जिन लोगों को नी पेन भी हो रहा है और उसके साथ ग्रोइंग पेन भी है तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, पिलो को ऐसे रख के बस दोनों नी को अंदर की तरफ पिलो के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना है और होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकेंड। जैसे आप इसको होल्ड करते हो गाइस तो आपके जो भी एडक्टर मसल्स होते हैं वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, उनमें स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाता है एंड रिलैक्स। तो अगेन आपको नी की हेल्प से दोनों पिलो के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना है, साथ में ही होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड एंड देन उसके बाद इसको रिलीज करना है। तो ऐसे होल्डिंग की आपको 4 से 5 रिपीटेशंस करने हैं और इसको सुबह शाम 2 टाइम अगर आप करोगे तो आपका ग्रोइंग पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइस जो हमारा 4th एक्सरसाइज होने वाला है वो होने वाला है हमारे हिप फ्लेक्चर का स्ट्रेचेस। जब भी अगर हम हिप फ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उस केस में हमारे हिप फ्लेक्सर टाइट बन जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी बार हमें ग्रोइंग पेन या फिर हिप पेन होने के चांसेस होते हैं। अब उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, 2 पिलो लेके ऐसे मैट के ऊपर रख देना है और जो पैर में आपका प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, उसके नी को ऐसे पिलो के ऊपर रख देना है। मानो मेरे राइट हिप में पेन हो रहा है, ग्रोइंग में पेन हो रहा है, तो राइट नी मैंने यहाँ पर रख दिया और जो दूसरा पैर उसको ऐसे आगे की तरफ रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप साइड से देख सकते हो, आपको क्या करना है धीरे से आपका जो भी पूरा बॉडी है उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। जैसे आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हो तो इस एरिया में जो स्ट्रेच हो रहा है तो जो भी मेरे हिप फ्लेक्सर्स है उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। गाइज अगर आप रनर हो या साइक्लिस्ट हो तो ये स्ट्रेच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका हिप पेन हो नहीं हो, अगर आपका हिप पेन हो नहीं रहा, ग्रोइंग पेन आपको नहीं है, जो भी है, ये स्ट्रेच रनिंग के बाद आप ज़रूर कीजिए और देखिए आपको रनिंग करने में कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगेन आपको इसको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और ऐसे आपको 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। तो गाइज आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए और आपके हिप पेन को, ग्रोइंग पेन को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। तो गाइज इसका मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे मसाज थेरेपी के थ्रू, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स मसाज हो या डीप टिश्यू मसाज हो, उसके हेल्प से कैसे हम हमारे ग्रोइंग पेन को कम कर सकते हैं, हिप पेन को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।